What is surface? What is 2D? What is 3D? That is a different thing, right? Let's talk about the texture of this paper. Let's talk about texture of this pen. Let's talk about texture of this pic, right? So first, can you describe that though? हम लोग BFF पे जो भी देखते हैं उसका जो भी सरफेस है उस पे जो भी टेक्सचर या मेरा मेरे टी-शर्ट का कैसा टेक्सचर है, सो हम लोग वही सेम चीज हम लोग सीजी में या थ्रीडी में भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, करेक्ट? दैट इज योर जॉब. यस यस. ओके, तो वो अभी एक ह्यूमन एलिमेंट या एक लिविंग ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है और एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है. जैसे तुमने एक एग्जांपल देखा है फ्रूट्स, या यस, इज अ वेरी गुड एग्जांपल इन द मॉडर्न फ्रूट्स. ओके, सो इसका भी अलग अलग एलिमेंट्स भी अलग अलग जगह, अलग अलग टेक्सचर, अलग अलग कलर, अलग अलग विजुअल्स, जिसका भी एक्चुअली पहले तो हम विजुअलाइज करते हैं कोई भी चीज का कलर जो भी आंखों में आता है, फिर हम ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो उसका एक सरफेस फीलिंग भी अलग होता है. करेक्ट. मैं जस्ट यही चीज बोलना चाहता हूं. तो एलिमेंट्स, हाँ तो वो एलिमेंट्स अलग होते हैं, तो वो भी वो सरफेस डिटेल जो है वो नेस पे एनवायरमेंट का लाइट या कैसे रिएक्ट करता है उसके अकॉर्डिंगली टेक्सचर वो डिफाइन होता है, और हम हर एक एलिमेंट को अलग कर सकते हैं एक दूसरे से. नहीं, हर एक दूसरे से बोल रहे थे कि वो हम लोग एक दूसरे ऑब्जेक्ट से टेक्सचर अलग कर सकते हैं. एक्चुअली रियल लाइफ में तो अलग होता ही है, करेक्ट? होता ही है, उसी को ही मेक करते हैं हम कि उसको हम अचीव कर पाए, कि उसके जो जैसे इधर बहुत सारे चीज है, नॉट ओनली मतलब हम टेक्सचरिंग बोलने जाए 3D, तो मतलब कोई भी मिमिक करते हैं 3D स्पेस को. अब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कुछ शायद उतना टेक्सचर डिटेल ना हो लेकिन वो लिक्विड टाइप का हो तो उसके अंदर से लाइट जा रहा है और बहुत सारे लाइट की इंफॉर्मेशन बाउंस कर रहा है, तो वो भी एक विजुअली अपेयर होता है, तो वो भी पार्ट ऑफ टेक्सचर आर्टिस्ट जॉब की वो कैसे अचीव किया जाए. राइट. मैं थोड़ा सीधा भाषा पे बोलूं तो कोई एक ऑब्जेक्ट सोचो, एक मेरे पास एक बॉल है, टेनिस बॉल है, राइट? ये मैं जब मॉडलिंग किया तो ये ग्रे एक ऐसा तुम्हारा स्क्रीन पे है, तो ये मैं दिखाने वाला था. एक मिनट, ये 3D मॉडल करता हूं. आता हूं. सब देख के जाऊंगा, नो प्रॉब्लम. सो वी हैव शायद मॉडलिंग पे कुछ ऐसा ही होगा ये तुमने जो किया हुआ. ग्रे. उसके बाद तुम जो टेक्सचर करोगे तब जाके, और लाइटिंग के बाद शायद इसका जो टेक्सचर है जो मैं फील कर सकता हूँ, वो विजुअली हम लोग वो चीज बना सकते हैं सीजी में. यस, ऑफकोर्स, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट. सीजी मीन्स कंप्यूटर ग्राफिक्स, और थ्रीडी में हम लोग बना सकते हैं, और वो हम लोग कोई भी एक फिल्म हो, एडवर्टाइजमेंट हो, गेम हो, वहां पे हम लोग उसको यूज करते हैं, तभी जाके वो चीज हम लोगों को रियल लगता है, करेक्ट? हम लोग उतना उसपे उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, राइट? एम आई करेक्ट? देखो, प्लीज जस्ट क्रॉस मी इफ आई एम. यस यस, नो नो, एब्सोल्युटली राइट. So this is how our everyone's job means. Everyone means texture artist. How we work and all. So this is my personal work of mine. So this is a model gray. Basically, there is no texture information. Then I added surface detail little. Right. It was little bit flat before. It's like a mud kind of sculpting. Yes. हम लोग मिट्टी से जो स्कल्पिंग करते हैं, it looks like that. इसके बाद अगर हम लोग इसको टेक्सचर ऐड किए तो वो थोड़ा सा रियलिस्टिक हो गया. Go to the next one. Yes. इस पे भी if the lighting artist will do the light properly. Yes. तो ये और भी अच्छा लगेगा, राइट? और भी रियलिस्टिक होगा, राइट? उसका प्रॉपर्टी सामने आएगा, जो भी हम डिटेल डाले हैं ऑब्जेक्ट की, उसकी उसकी लाइट शैडो और उसको टेक्सचर एनहेंस करेगा.
हाउ टू बिकम टेक्सचर आर्टिस्ट इन अ डे लाइफ ऑफ टेक्सचरिंग आर्टिस्ट को क्या कहते हैं बेसिकली मीनिंग कहते हैं यही है देव कैन वी प्लीज स्पीक इन इंग्लिश अ बिट मोर बिकॉज Kalvarianpuri saying that English you will speak, I will easy understand. So I mean, yes. We can. So I will briefly explain. The process. Actually, what I told till now. Actually, what is texturing in real world? We use the word often texture. Means my life texture is changed. This is changed. It means the colors. More colors information. So how the colors generated in real life because of the shapes of the object and the light and shadow means hit some specific rays. So we can see that only we have the limitation. If some other colorblind people say, then he will see some different colors. So this perspective texture change. So this is called texturing. The colors, more of color information. How we see in real world because of shapes and everything, we see some colors achievement. And so we incorporate means we mimic this feel and textures in 2D space. When we make in 2D space, it's called 2D texturing. So we sketch and then give light shade and then make textures. And in 3D space, if we make it, it's called 3D texturing. So I took a very grayscale model, model and then did surfacing for that. This is how it looks. So in studios also, we just mimic, depending upon the software techniques, how the tools helpful to it. So this is our job and how to become a texturing artist all together pipeline and